हेलो। हेलो। जय माता की। जी जय माता दी भैया। हाँ ये बोला था, मैं देखा अभी यूट्यूब में आपका ऐड पंडोखर सरकार के विषय में। हाँ हाँ, तो मैं भी ग्रसित हूँ वहां से। जी अच्छा, आप भी ग्रसित हैं। जी अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार तिवारी है, कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में बिजरी बिजरी? जिला अनूपपुर। अच्छा, अनूपपुर। जी अच्छा, हाँ, मैं तो क्या आपके साथ दिक्कत हुई 2017 में गया था। 2017 में? अच्छा जी, और वो मेरे पिताजी जो थे उनके लिए गया था। हाँ मैं गया था तो बोले थे 5 अमावस्या आना पड़ेगा तुमको, हाँ 2100 रुपये की पर्ची काटे थे और अच्छा टाइम दिए थे 21 फरवरी 2017 में ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पिताजी। अच्छा हाँ, तो मैं कहा चलिए ठीक है, 5 अमावस्या आने आना है तो आ जाऊंगा। हाँ 5 अमावस्या में गया, हाँ मेरे पिताजी 2017 में मई में 5 तारीख को खत्म हो गए। खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, जबकि एकदम संतुलित भोजन, संतुलित सब कुछ, इतने संयम वाले थे, उसके बाद भी वो खत्म हो गए। बस अरे ये था, उनकी उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो वो बोले कि कुछ मत करवाओ, डायलिसिस वगैरह। हाँ हाँ, तो मैं कहा कि मैं अगर आपके भरोसे रहूंगा तो वो तो और सीरियस हो जाएंगे। तो हाँ जैसे उनके पास जाते गए, उससे वो हर बार आईसीयू में जाते गए। 17 बार आईसीयू में गए हैं मेरे पिताजी, कम ओहो, से कम आईसीयू में पचहत्तर कि हो गए डायलिसिस थे। में? डायलिसिस तो होता ही था, हफ्ते में 200-300 अच्छा, हफ्ते में 2-3 होते थे। तीन होते थे। हाँ, और मैं उनसे पूछा तो बोले मत करवाओ डायलिसिस वगैरह, और नहीं करवाता था, एक दिन अगर चूक जाता था तो आईसीयू में पहुंच जाते थे, ओहो इतने सीरियस, वेंटिलेटर में चले जाते थे। अच्छा मेरे पास हालांकि उनकी पर्ची है, लेकिन पर्स में रखे रखे फट गई है। अच्छा पर कुछ है। कुछ हाँ लिखा हुआ है, उनका पर्ची का टुकड़ा है अभी भी, इसमें जो अच्छा लिखे हैं। अच्छा हालांकि तो एक ही पर्ची है अपने मैं पास? अरे मेरे पास दो मेरे साथ जो है ना 5-6 लोग गए थे। एक हाँ हमारे सगे जीजा जी गए थे, उनके पिताजी को कैंसर था। अच्छा हाँ, तो वो हॉस्पिटलाइज थे, तो हाँ उनको बोला कि हम कुछ नहीं जानते, उनको लेके आओ। बोले हाँ वो इस कंडीशन पे ही नहीं है कि लेके हाँ आए। कैसे लेके आए बताइए? बोले हम कुछ नहीं जानते, उनको लेके आइए। अच्छा, तो हो सकता है उनके पास भी हो। एक हमारे बिजली से ही एक बच्ची घूम गई थी 3 साल की, घर में खेलते खेलते, उनके पास भी शायद पर्ची हो। उनको टाइम दिए थे जनवरी, मतलब 3 महीने बाद वो बेटी अपने आप घर आ जाएगी। अच्छा हमारे दोस्त की भतीजी थी, वो भी नहीं आई। फिर एक हमारे वहाँ फ्रेंड की बहन थी, वो भी साथ में गई थी, उसका फूवर निकला था, अच्छा तो उसको भी बताया तुम्हारे घर में प्रेत बाधा है, यूं त्यों करके तमाम दुनिया भर की बातें बताए, ठीक हो जाएगा। वो भी बेचारी कुछ भी नहीं हुआ उसके यहाँ, वैसे के वैसे ही है। तो कई लोग आए वहां से, लूट आए गए। नहीं, एक्चुअल में क्या था, मैं गया अच्छा तो पहले चांस बताया, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण है, कर्सिव राइटिंग सीखा है, पहले पर्ची दिखाता तो है वो, हाँ, लेकिन पूरा स्पष्ट पढ़ने नहीं देता, फिर उसके बाद उस पर पेन चलाता है वो, जब पूछ लेता है तब। हमारे जीजा जी जो थे MBA किए हुए थे, तुरंत पकड़ लिए। अब वो क्वेश्चन करने लगे तो वो गुस्सा होने लगा बाबा। अच्छा हाँ, तो बोले ये ढोंगी है, पूरा ढोंग दिखा रहा है ये तो। हाँ, लेकिन मैं तो 5 अमावस्या गया था। अच्छा हाँ, तो फिर मेरे पिता जी, मतलब वो जो टाइम दिया था उसमें, तो हालांकि मैं किडनी ट्रांसप्लांट का भी पूरा पेपर तैयार कर लिया था, हाँ हमारी माँ किडनी देने के लिए, डोनेट करने के लिए तैयार थी, और मैं पूरा पेपर तैयार करके सब कुछ कंप्लीट करके बैठा था। लास्ट अच्छा टाइम डोनेट के समय ये हुआ कि उनके हाथ में जहाँ पे डायलिसिस हो रहा था वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, थोड़ी सी गांठ पड़ गई थी, तो बायोस्कॉपी करवाया, बायोप्सी, तो उसमें निकला थोड़ी सी बैक्टीरिया, टीबी अच्छा के लक्षण, तो उसकी वजह से बोले आप ये कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा तो इस बीच में मैं चला गया पंडोखर। पंडोखर गया तो बोले कुछ भी ना करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएंगे, टाइम दिए थे फरवरी का। अब मैं पर्ची निकाल के रखा हूँ अभी,
उसमें लिखा है कुछ कुछ, अब जेब में पर्स में रखे रखे फट तो गए हैं जी, तो फिर भी कुछ तो लिखा होगा। एक पर्ची है और भी है, अमावस्या की वाली भी होंगी? नहीं बाकी तो नहीं मिल रही, फर्स्ट वाली है मेरे पास पर्ची रखी है जिसमें उन्होंने लिखा होगा। हाँ उनकी हैंड राइटिंग लिखी हुई है। अमावस्या वाली पर्ची भी है मेरे पास। अच्छा। वो भी थोड़ी सी फट गई है, वो भी है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी आपके पास पर्चियां हैं हाँ? वो और बस अपनी फोटो। अच्छा हाँ, तो मतलब आपने मोबाइल से खींच लीजिएगा फोटो। हाँ अपनी, और तीनों चीजें जो भी हैं मुझे आप व्हाट्सएप करिए इसी नंबर पे। इसी नंबर पे व्हाट्सएप? हाँ, मैं आपकी वीडियो बना के डालूंगा और वहां तक पहुंचाऊंगा। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, मैं देखिए हमारी कोशिश ये है कि पहली बात तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था कि आप किसी से पैसे ले रहे हैं और उससे वादा कर रहे हैं और उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, तो बहुत गलत है ना। मैं लोगों को कमेंट करके यही बोलता हूँ भाई मत फंसो मत फंसो, लेकिन तो कोई हम वहां तक बात पहुंचाएंगे कि जो हुआ आपने गलत किया या तो इनके आप पैसे वापस के, पहली बात तो आप भरपाई ही नहीं कर सकते ना भाई, कोई खत्म हो गया है तो आपसे पैसे क्या मांगे, आप उसी की भरपाई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि लोगों तक बात पहुंचेगी तो कम से कम दूसरे तो ठगन से बचेंगे। तीन तीन पर्ची है, दो टोकन है जो दो बार गया था मैं। हाँ और एक तो फटे फटे हैं। अच्छा कितने कितने आपने खर्चा किया हुआ? मैं 2100 की पर्ची फर्स्ट टाइम कटाया था। हाँ और मेरे पास चार चार पर्ची मिल गई इनकी। अरे आप तो ढेर सारी निकाले चले जा रहे हैं भाई। तो मैं पांच बार गया ना, तो चार बार टोकन मिल गई और फर्स्ट चांस की पर्ची मिल गई, बस ये फटी हुई है। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, अब कोई उन्हें मढ़ा के थोड़े रखेगा। हाँ वही है, अब एक तो पहली बात जब नुकसान हो जाता था और भी डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। तो आप जो भी पर्ची है इसी नंबर में मेरे व्हाट्सएप में कर दीजिए और आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये वीडियो बना के डाल लूं। बिल्कुल डालिए बिल्कुल, कहीं कोई ना फंसे। मैं नहीं चाहता कि भाई, लेकिन मैं तो गया अपना टाइम समय वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया। हाँ दूसरी चीज मेरे पिताजी बच्चे भी नहीं, तो बस इसी बात की बच जाते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं था। हाँ पैसे लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बच जाते। वो भी मेरे पिताजी 61 साल के थे और बहुत ही शालीन थे। अब क्या बताऊँ मैं, 5 बजे उठना, योगा करना, मतलब संयम। उसके बाद उनकी कंडीशन ये हुई, आप विश्वास न मानेंगे, मैं ठंडी में कुड़कुड़ाते हुए नहाता था वो नदी में। हाँ। उनके पास एक सो नदी है ना, कौन सी नदी, पुष्पांजलि की क्या नदी, सो नदी नहीं नहीं वो पंडोखर में जो। अच्छा अच्छा पुष्पावती, पुष्पावती, पुष्पावती में सुबह 5 बजे में नहा के ठंड में एकदम मंत्र की जाप करता था कि मैं पिताजी ठीक हो जाए मेरे। व्यक्ति स्वभाव के सर्दी गर्मी कुछ नहीं सोचता है, घर का परिवार कोई सदस्य हो तो उसका दिमाग में जाता है। वही है कि किसी तरह कुछ भी करने से अगर मेरे पिताजी को आराम मिलता है तो मैं कर लूं। अच्छा। लेकिन मेरी मेहनत एकदम जीरो गई और मेरे लिए तो वो ढोंगी ही है, फुल ढोंगी। ढोंगी तो अब हाई है कहने की, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा आपने टोटल कितना खर्चा किया होगा इतने दिनों में? टोटल लगभग 20 वो उसको दिया हूँ और आने जाने में किराया लगभग 15,000 के करीब लगा है। अच्छा अच्छा हाँ, मान लीजिए आने जाने का खर्चा। हाँ। और 2100 की पर्ची और 5500 चार बार दिया तो मतलब लगभग 2400 ये हो गया मेरा। हाँ। और लगभग आने जाने में रायपुर से आता जाता था पिताजी, वहीं एडमिट थे तो। अच्छा हाँ तो करीब करीब 18-20 हजार। हाँ ऐसे लमसम। हाँ ठीक है भैया, आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप में आप अपनी फोटो एक मोबाइल से खींच के और ये सारी रसीदें आप मुझे भेजिए। ये वीडियो इस तरह की डालनी जरूरी है जिससे लोग दूसरे समझें कि भैया यहाँ केवल पैसे लिए जाते हैं, वादा किया जाता है, वादा पूरा नहीं किया जाता। हाँ ठीक ठीक, मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए मुझे। जय माता दी। जय माता दी।